नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बिना चीनी, गुड़ और बिना घी के तिल के लड्डू, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला लड्डू जो है कैसे बनेगा, तो इसमें हम क्या मिठास डालेंगे और कैसे बनेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है सफ़ेद तिल 1 कप, लगभग 250 से 300 ग्राम है। तो इसको हम अच्छे से भूनना है, मतलब इसका थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो ऐसे चलाते हुए हम भुनेंगे। तो इस लड्डू को जो है आप बना करके 1 महीने तक स्टोर करके सर्दियों में खा सकते हैं, चाहे बड़े हो या फिर बच्चे, किसी को भी आप सर्दियों में खिला सकते हैं। एक बार आप बहुत सारा बना लें और इसको स्टोर कर लें और पूरे सर्दियों में खाएं। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होता है। तो इसको हम भुनेंगे, लगभग आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा भुनने के लिए। अभी देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा है और तिल जो है हमारा चटकने लगा है। तो अभी हम इसको गैस बंद कर देंगे और अलग से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये वाला है हमारा मिठास लाएगा इसमें लड्डू में। ये वाला नेचुरल स्वीटनर है, तो आपको पता ही होगा। ये वाला है खजूर, इसको पिंड खजूर बोलते हैं और इंग्लिश में डेट्स। तो हम इसका लेंगे, जैसे कि मैंने 300 ग्राम लिया है तिल, और इसमें हम लेंगे 200 ग्राम खजूर। खजूर को मैंने पीसेस में काट लिया है और तिल को जो है 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद ही इस मिक्सर में डालें और ग्राइंड करें, मतलब एक पेस्ट जैसा बन जाएगा ये। जैसे हमारा डेट्स और तिल जो है, तिल में जो है उसका अपना तेल होता है, ये जो है ऑयल सीड है, तो वो अपना एक तेल छोड़ेगा और डेट्स खजूर जो है वो अपना मिठास छोड़ेगा। तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें हम अभी देखिए इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, एक पाउडर जैसा बन जाएगा। देखिए आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो इसको जितना भी गुठलियाँ टाइप का है उसको हम तोड़ लेंगे। अभी जो है लड्डू बांधने के लिए तैयार है। देखिए इसका तिल का जो है अपना तेल छोड़ दिया है और खजूर जो है अपना मिठास। तो अभी लड्डू बांधने के लिए तैयार है। देखिए इस तरीके से आप लड्डू बना लें और 1 महीने तक स्टोर करके सर्दियों में ज़रूर बना के खाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।